हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है 2021 का क्लास 12th का, जो कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने वाला है, तो उसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास यह कमेंट कर रहे थे कि सर हमको बताइए कि पैटर्न कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम 2021 आपका होने वाला है क्लास 12th का, उसका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो फ्रेंड देखिए, जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपके पेपर में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से अगर आप 3 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं तो आप जो है कि एग्जाम पास कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 प्रश्न में से सिर्फ 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है। और फ्रेंड्स, यह जो आपका पेपर होगा यह सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। जी हाँ दोस्तों, यह चीज आप ध्यान रखिएगा कि यह जो पेपर आपका होगा वह सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। पहले क्या होता था कि जो आपका पेपर होता था वह 3 घंटे 15 मिनट का होता था और उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आते थे। तो इस बार जो है कि आपसे सिर्फ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न का आपको आंसर करना होगा और जो है कि सिर्फ 1.5 घंटे आपको समय मिलेगा। और फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट यह क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बताइए कि क्या सभी लॉन्ग प्रश्न होंगे। यहाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यह पूछ रहे थे कि सर वह जो 10 प्रश्न आएंगे वह सभी लॉन्ग होंगे, कि सभी जो प्रश्न होंगे वह शॉर्ट होंगे, कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो काफी स्टूडेंट यह भी क्वेश्चन कर रहे थे। तो फ्रेंड देखिए, जो आपका 10 प्रश्न पूछा जाएगा इस पर अभी क्लियर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वह सभी लॉन्ग होगा कि सभी शॉर्ट होगा कि सभी बहुविकल्पी होगा। अभी इसका जो है कि मॉडल पेपर भी जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी कुछ कन्फर्म पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देखिए, सिर्फ 10 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और उसमें से सिर्फ 3 प्रश्न का आपको आंसर देना है, तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर चांसेस हैं कि जो आपके पेपर होंगे वह लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर आशा है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह लॉन्ग प्रश्न पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स, शॉर्ट प्रश्न हो सकता हो कम पूछा जाए, क्योंकि आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है और उसमें से सिर्फ आपको 10 में से 3 ही प्रश्न का आंसर देना है, तो ज्यादातर आशा यही है कि लॉन्ग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपसे शॉर्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाए, बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी बोर्ड ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है और अभी तक बोर्ड ने इसका मॉडल पेपर भी लॉन्च नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिए कि आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए और आप लॉन्ग प्रश्न की तैयारी करिए। जी हाँ दोस्तों, अभी जब तक आपका मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक आप क्या करिए कि लॉन्ग प्रश्न की ही तैयारी करिए। इससे आपका फायदा यह होगा कि अगर आप लॉन्ग प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आप शॉर्ट प्रश्न अगर पेपर में आ गया तो उसको भी कर लेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया तो उसको भी आप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट हमसे यह पूछ रहे थे कि क्या सर बताइए कि परीक्षा रद्द होगी क्या। काफी स्टूडेंट में काफी संशय यह बना हुआ है कि हो सकता है कि अभी भी परीक्षा रद्द हो जाए। तो फ्रेंड देखिए, आपका 12th का एग्जाम रद्द नहीं होगा। हो सकता हो कि थोड़ा और लेट हो जाए, जुलाई के लास्ट तक चला जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि आपका 12th का एग्जाम नहीं कराया जाए, रद्द कर दिया जाए।
आपको ट्वेल्थ का एग्जाम रद्द नहीं किया जाएगा, जब भी होगा आपका एग्जाम होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका ट्वेल्थ का एग्जाम रद्द होता है तो उसमें फ्रेंड्स आपका ही घाटा होगा, क्योंकि जो आपके ट्वेल्थ के नंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे वहां पर काफी अहम रोल अदा करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप कोशिश करिए कि आपका जो है कि जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम हो, आपकी परीक्षा कराई जाए और आप परीक्षा दें। तो फ्रेंड्स कुछ लोग हमसे यह पूछ रहे थे कि सर बताइए कि स्कीम कब तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, काफी स्टूडेंट का यह क्वेश्चन था कि सर बताइए कि स्कीम कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है कि आपका स्कीम जो है कि वह 10 जून से पहले आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्कीम जो है कि 10 जून से पहले आ जाएगी, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा, उसके पहले ही स्कीम आपकी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर मॉडल पेपर कब तक आएगा। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो मॉडल पेपर है वह अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बोर्ड ने कुछ भी नहीं कहा है कि आपका मॉडल पेपर कब तक आएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक आपकी स्कीम आएगी उसके पहले ही आपका मॉडल पेपर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपका टाइम टेबल आएगा उसी के आसपास आपका मॉडल पेपर भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।